विंडोज स्टोर एप्लीकेशन वीडियो ट्यूटोरियल में खुशहाल हूँ। आज हम एक नई सीरीज़ चार पार्ट की शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपकी पहली एप्लीकेशन विंडोज स्टोर की तैयार करेंगे। सबसे पहले पार्ट में आप देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे मैनेज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल एंड स्टेट। नंबर थ्री में हम बात करेंगे नेविगेशन लेआउट एंड व्यूज़। नंबर फोर के अंदर हम बात करेंगे फाइल एक्सेस एंड पिकर्स। सो जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, आखिर में आप फाइल एक्सेस एंड पिकर्स के बाद आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। सो अभी इसके लिए हम सबसे पहले एप्लीकेशंस को रन करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को आज के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद आप फाइल में जाएँ, न्यू एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पे विजुअल सी शार्प में आएंगे और स्टोर एप्लीकेशन के अंदर विंडोज़ एप्लीकेशंस और फिर देन सेलेक्ट ब्लैंक एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम मैं रख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो भी आप इसको देना चाहें आप इसको। मैंने अपने पास एक ख़ास जगह पे इसकी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, तो आप इसकी वैल्यू इसको सी शार्प विंडोज स्टोर एप्लीकेशन या जहाँ पे भी आप इसको स्टोर कराना चाहें वैल्यू को और वहाँ पे इसको स्टोर करवा सकते हैं। विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो, इसको आप ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने थोड़ी देर में इशू होगा। अभी याद रखिए कि विंडोज स्टोर एप्लीकेशन के लिए विंडो एट का होना जरूरी है। विंडो एट आप इंस्टॉल करेंगे एंड देन आप विंडोज स्टूडियो 2013 और 12 शोर। अब आपके सामने सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं, जैसे एसेट्स हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपके पास लोगो, आपका स्मॉल लोगो, सप्लाई स्क्रीन, स्टोर लोगो, ये चार PNGs वगैरह आपके इमेजेस हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट के इमेजेस डिस्प्ले करने के आते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन डॉट XAML है, जिसके अंदर वो तमाम आपकी फाइल्स मौजूद होंगी जो बेसिकली आप परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने विंडो स्टोर के साथ साथ विंडो फॉर्म्स, WPF एंड अदर इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन मोबाइल के लिए वगैरह रखी हुई है, दैन यू विल यूज़ ऑल द कॉमन एप्लीकेशन वैल्यूबल्स और वैल्यूज फ्राम द एप्लीकेशन डॉट XAML। और मेन पेज डॉट XAML आप किसी तरह से जितने मर्जी चाहें फॉर्म्स आप इसके अंदर एड अप कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके रखने वाली ये है कि जैसे जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को करेंगे आपके पास मोर देन वन पेजेस आते जाएँ, लेकिन अब इन मेन पेजेस के साथ आपके पास जो हमने इसको एप्लीकेशन ली थी वो आपके रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर नेविगेशन और सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप मेन पेज डॉट XAML को यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि ये ब्लैंक एप्लीकेशन है। आप यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आप क्या इसको परमानेंटली डिलीट कर दें, आप इसको ओपन प्रेस करें। अब इसके बाद हमें एक न्यू पेज डालना है, दैट वाज बेसिकली आप प्रोजेक्ट से आए ऐड न्यू आइटम। जब आप इसको ऐड न्यू आइटम करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए कि आपने चेक करना है कि आप विजुअल सी शार्प के अंदर ही हैं, और देन आप इसका बेसिक पेज सेलेक्ट कीजिए एंड देन आप इसकी एक्सटेंशन XAML में ही लीजिएगा। उसका नाम हम वैसे ही दे रहे हैं जैसे मेन पेज का। जब आप मेन पेज डॉट XAML कर लेंगे तो देन यू विल सी एन अनदर डायलॉग बॉक्स appear on your screen. This addition depends on files that are missing from your project. ये आपसे इससे मुराद ये कि आपकी कुछ फाइल्स जो कि हमने ब्लैंक एप्लीकेशन दी थी, तो कुछ बहुत सारी फाइल जो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं वो मिसिंग हैं। विदाउट दीज फाइल यू मस्ट रिजॉल्व डिपेंडेंसी ऑन द कॉमन नेम स्पेस मैनुअली। अगर आप ये इसको ओके नहीं करते तो आपको खुद मैनुअली हैंडल करनी पड़ेंगी, और अगर आप इसको यस कर देंगे तो वो तमाम वो वाली फाइल्स जो हैं वो आपके प्रोग्राम्स के अंदर ऐड कर देंगे। यू कैन सी कि ये आपका आ चुका है मेन पेज के अंदर आपकी डॉट XAML। अभी यू कैन कंटिन्यू वर्किंग वाइल द XAML इज लोडिंग इन द बैकग्राउंड। आपका जब तक ये प्रोग्राम चलता है आप इसको बैकग्राउंड के अंदर भी रनिंग में रख सकते हैं। सो वी विल वेट। अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, और इसके साथ जब आप इसको करेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं स्टार्ट डी बगिंग, और दूसरा मेथड आपके पास है कि आप इसको लोकल मशीन के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर लें।
जब आप इसको करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन रन होती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी पहली विंडो स्टोर एप्लीकेशन आप इसके अंदर स्टार्ट कर चुके हैं। आप इसकी डीबगिंग होने दी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर रन होगी। This is the program which was started here. Hello world. Wait for a second. अगर आप देखेंगे तो अभी आपको कोई इसमें नेविगेशन नहीं आएगा, सिंपल स्क्रीन है जिसमें आपने माई एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो आपका रन हो रहा है। अगर आप इसको मिनिमाइज भी कर देते हैं और यहाँ से क्लोज भी कर देते हैं, तब भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी विंडोज, जब आपकी विंडो वो ऑटोमेटिकली एट द एंड जो है इसको वहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसके सारे के सारे यहाँ पे ब्लॉक देखते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। तो हमने हेलो वर्ल्ड के साथ नहीं है तो इसमें हम वापस आते हैं एप्लीकेशन, इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। तो वी हैव स्टार्टेड अवर फर्स्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली। अब हम इसके अंदर तब्दीलियाँ करेंगे। अब हम अपने इस मेन एप्लीकेशन को हम तब्दील करेंगे। सो इसको मैं एसेट्स को क्लोज कर रहा हूँ, कॉमेंट्स को भी। आप सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ऐप डॉट जैमल में। अगर आप ऐप डॉट जैमल पर क्लिक करें तो ये हमारे पास एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है और साथ में इसके यहाँ पे हमारे पास ऐप डॉट जैमल सी एस है। हम इसको भी देखें तो वी हैव अ कोड हियर। अब हमारे पास अगर स्क्रीन को हम फुल करना चाहते हैं तो ये क्विक लॉन्च के ऊपर आता है। अब जो आप मेन्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं फुल स्क्रीन का सर्च करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको देंगे। वी हैव आर शिफ्ट प्लस आर प्लस एंटर, यू कैन सी द कोड वाज हियर, इट विल बी ऑन फुल स्क्रीन, ताकि आप उसके पास जो स्पेस है वो फुल आप उसको देख सकें। अब हमारे पास कोडिंग बहुत सारी है। अगर आप इस पर आएँ और आउटलाइनिंग पे आएँ, राइट क्लिक करें और देन आपके सामने आउटलाइनिंग आएगी, ताकि हम इसको आउटलाइन अंडरस्टैंड कर सकें। और यहाँ पे क्लैप्स टू डेफिनेशन, सो यू कैन सी अब थ्री थिंग्स। एक पब्लिक ऐप मेथड है, एक आपका ऑन लॉन्च है, एक आपका ऑन नेविगेशन फेज है और एक आपका ऑन सस्पेंड है। आपने इन्हीं तीन मेथड्स के अंदर जिस तरह से हम इसकी डिस्कशन करते जाएंगे, आप इसकी एप्लीकेशन के अंदर इसको वो फॉलो करते जाएंगे। आप इसको फुल स्क्रीन से वापस लेके आना चाहें। आपकी तमाम तरह एप्लीकेशन जो भी है वो सारी की सारी यहाँ पब्लिक ऐप मेथड में आएंगी, और जितना कि नेविगेशन और बाकी मेथडोलॉजीज हैं वो हम इसको नेक्स्ट पे डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले हम मेन पेज पे जाते हैं। मेन पेज डॉट जैमल पे हमने क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे इस पर देखें तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो डिज़ाइनर व्यू भी नज़र आ रहे हैं और दूसरा हमारे पास ये जैमल पार्ट भी इसमें नज़र आ रहा है। सो इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन जैमल पार्ट तो यू विल सी that how much code was there, and similarly when you are clicking on the design mode so then you will see the design principles were there. अब इसके अंदर आपको एक तो navigation नज़र आ रहा है और एक आपको title of the page नज़र आ रहा है। अगर आप इसको zoom कर लें 140% पर मैं जा रहा हूँ, 150% पर, ताकि मुझे XAML को अच्छे तरीके से मैं कवर कर सकूँ। सो वही है XAML पेज, और आप उसके जितने भी टूल बॉक्स हैं वहाँ से भी आप इसकी वैल्यूज को जनरल फॉर्म्स में सारी चीज़ें ले सकते हैं। कोडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं एंड आप उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हाँ जी, अब ये आगे थोड़ा सा फर्दर करने से पहले हम आपकी कोडिंग के ऊपर चलते हैं। अब हम इसकी बाइंडिंग्स के लिए, अगर आप इसके व्यू में आएँ और डिज़ाइन में, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पे इसको चेंज कर लें। सो सबसे पहले आप इसको क्लिक करें एंड देन यू जस्ट केम इनटू द प्रॉपर्टीज़। आप प्रॉपर्टीज़ पे आएँ तो आपके सामने तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी नज़र आएंगी। अब सबसे पहले आपने ये याद रखने के देखने कि नेम आपका पेज टाइटल है और टाइप इसकी टाइप टेक्स्ट ब्लॉक है। देन आप इसकी माई एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आप अगर इसको ग्रीन देखते हैं तो इट मीन्स इट्स अ रिसोर्स। रिसोर्स को आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक इस पर क्लिक करेंगे तो देन यू शुड नो
न्यू मेन्यू बॉक्स बनते हैं, तो आप इसके एडिट रिसोर्सेज कर लें। एडिट रिसोर्स पे आप करेंगे तो आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन नेम है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आ सकता हूँ डार एजुकेशन, फोटो गैलरी के तौर पर जो भी आप देना चाहें आप इसको ओके कर। नाउ यू विल सी दैट हाउ इट विल चेंज, यू विल सी दैट कि हमारा जो टाइटल था वो इसके ऊपर डिस्प्ले हो चुका है। अगर आप इसके साथ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी द पेज टाइटल टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टैटिक रिसोर्स, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नेम वगैरह नज़र आ रहे हैं हैंडल टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसके एग्जैक्ट रिसोर्स पे जाना चाहते हैं, क्लिक करें गो टू सोर्स, तो ये आपको उस लाइन पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी ये वैल्यूज हैं। सिमिलरली मेन पेज के बिहाइंड के ऊपर भी आपके मेन टाइप डॉट एग्जाम्पल डॉट सी एस मौजूद है। अगर आप वन सेकेंड इसको देखना खुल सकें तो ये कमांड आप याद रखें ताकि आपको ये हेल्प हो कि शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एंटर, आपके पास फुल व्यू करने का चांस होगा। शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एंटर, जब आप इसको वापस प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी पहले वाली हालत में चल जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर वंस अगेन, वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स एंड फंक्शंस आर देयर। आप राइट क्लिक करें, आउटलाइनिंग करें एंड क्लैश टू डेफिनेशंस, तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेबल डिक्शनरी एंड नेविगेशन हेल्पर, और इस तरीके से ये मेन पेज और नेविगेशन हेल्पर और नेविगेशन हेल्पर, इनको हम इंशाल्लाह जब हम दूसरे पेज पे दूसरे पार्ट में आएंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। और मैं इसको शिफ्ट प्लस आर एंटर करने के बाद इसके पास वापस आ चुका हूँ, और मेरे पास जो मेन पेज है और उसके एग्जाम्पल पर मैं आ चुका हूँ। अब हम अपने एग्जाम्पल पार्ट के अंदर वर्किंग करेंगे, तो मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल व्यू में क्लिक करता हूँ, तो आप एग्जाम्पल में आ जाएंगे और इसी तरीके से आर्ट शिफ्ट एंटर को प्रेस करें ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा आ जाए। आप देखेंगे कि इस ग्रिड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, एक पहली रो, हमने दो रोज बनाई हुई हैं, 140 की हमने पहली रो हाइट बनाई है और बाकी सारी जगह इसको एलिमिनेट सेकंड रो को भी। अगर आप किसी को ग्रेड को यहाँ से करना चाहें तो आप इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। सो जस्ट पहले वाले जो ग्रेड है इसके अंदर हम आप देखते हैं कि आपकी विड्थ जो है हाइट है, इसके अंदर एक बटन वगैरह दिया हुआ है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज कर देते हैं इस ग्रेड को। So you can see it minimizing like this. अब हम एक और स्टैक पैनल इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, स्टैक पैनल ग्रिड डॉट रो, और हम सेकेंड रो में जा रहे हैं। पहली रो हमारी ज़ीरो की थी एंड देन हमारी वन सेकेंड रो की जगह पे हमने वन सेकेंड रो पे आना है तो हमने इसको वन दे। अब हमारे पास नेक्स्ट मार्जिन है, नेक्स्ट मार्जिन हम फॉर एग्जांपल ये राइट साइड का, ये हमारे पास टॉप का, जो भी आपने वैल्यूज देनी है इस तरह से लेफ्ट साइड का और फिर बॉटम साइज का, तो आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ही नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हम डालना चाह रहे हैं, टेक्स्ट ब्लॉक्स एंड नेम इज इक्वल टू व्हाट इज योर नेम, जो आप इसमें टेक्स्ट ब्लॉक देना चाहते हैं, सो यू कैन डू इट। और अगर हम इसको सेव कर लें, सॉरी नेम नहीं, यहाँ पे हमें टेक्स्ट कर लें जो डिस्प्ले नेम, तो उसका वेरिएबल नेम है, इसको हम मेन पे डॉट एग्जाम्पल पे देखें, डिज़ाइन व्यू में जाके देखें कि ये कैसे है, तो देन यू कैन सी डार एजुकेशन डॉट इन, और यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज़ योर नेम एक एप्लीकेशन आ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल पार्ट पे जाते हैं, इसी तरीके से हम पावर कंपोनेंट हम स्टैक पैनल ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, और इसके हॉरिजॉन्टल लगाने के बाद हम इसका मार्जिन कर दें एंड देन इट विल बी 0.20 0.20, ये हमारे पास आ गया।
अब इस टैग पैनल में हम एक और चीज़ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें, नेम इसका फॉर एग्जांपल नेम कर लें। अब इसका मार्जिन विड्थ करनी है आपने, दैट विल बी लाइक 300 pixels, एंड देन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट। योर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, अब इसका डिज़ाइन व्यू में जाके देखते हैं मैम हाउ इट विल लुक लाइक, तो आपके सामने ये, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब हम इसके वन सेकेंड एग्जाम्पल में आ रहे हैं और हम एक बटन ऐड करते हैं और वन सेकेंड बटन इसी तरीके से इसका जो टेक्स्ट है उसको आप बेहतर ये हर दफ़ा जब भी वो काम परफॉर्म करते हैं तो उसका इफेक्ट आप उसको देखिए करें। तो जस्ट आप देख सकते हैं कि एक बटन और क्रिएट हो चुका है उसी स्टैक पैनल के अंदर, और हम अब एग्जाम्पल के अंदर और हमें क्या करना है कि हमने एक और कंटेंट इसको डिस्प्ले करवा। जहाँ पे आपका स्टैक पैनल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम टेक्स्ट ब्लॉक हम ले रहे हैं, नेम इज इक्वल टू ग्रीटिंग मैसेज, हमने इसका नाम दे दिया एंड देन जस्ट वी कंप्लीट। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी शख्स अपना नाम एंटर करेगा उस ब्लॉक के अंदर देन वी विल ग्रीट हिम अकॉर्डिंग टू अवर मैसेज। अब आपकी एप्लीकेशन तकरीबन तैयार है, आप इस पर एक दफ़ा लोकल मशीन से रन कीजिए और इसको देखिए कि ये किस तरीके से आपको व्यू करती है, ये बिल्ड करेगा। हमारे पास अपने दो तरीके मैंने आपको पहले बताया कि डीबग करने के लिए, अगर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही अब इसमें हमने कुछ चेंजेस की थी दैट वाज शोन व्हाट इज़ योर नेम फॉर एग्जांपल आई विल राइटिंग सैफुल्लाह डार, लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हैं इस बटन को तो ये बटन कोई इफेक्ट नहीं करता, ना ही आपको कोई ग्रीटिंग का मैसेज देता है। उसकी वजह ये है कि अभी तक आपने इसका इवेंट हैंडलर नहीं बनाया। तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ से भी इसको क्लोज कर दीजिए। अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए और आप ज़रा गौर करेंगे तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आप बटन के ऊपर हैं, जो आपने बटन दिया है कंटेंट का उसका आपने नाम दिया हुआ। अब इसके ऊपर सबसे पहले आपने इवेंट क्रिएट करना है, इवेंट के लिए यहाँ कोने में आएंगे तो आपको ऐसे जो बिजली का निशान नज़र आता है वहाँ पर आपने क्लिक करना है तो इवेंट नज़र आएंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे टच है, की पैड है, की अप है, क्योंकि विंडो स्टोर एप्लीकेशंस आपकी हर किस्म के एप्लीकेशंस के ऊपर रन होती है, टैबलेट्स के भी और टच स्क्रीन के ऊपर भी। तो आपने जिसका इवेंट हैंडलर बनाना है आपने उसका इवेंट हैंडलर बनाएंगे, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ओके करके तो वो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा और आपका ये ऑटोमेटिकली आपके पीछे जो जैमल कोड है .cs उसके अंदर भी रखने जा सकता है। अगर आप मेन पेज .xaml पे हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली क्लिक इज इक्वल टू ओके क्लिक, जो आपका बटन का नेम था उसके मुताबिक ये चीज़ परफॉर्म हो चुकी है। अब आप राइट क्लिक करके उसके अंदर नेविगेट करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो गो टू डेफिनेशन, तो देन यू विल सी दैट कि ये आपको उसी जगह के ऊपर नेविगेट कर देगा। तो आप यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर वापस आ चुके हैं। अब हम इसके पीछे कोडिंग करेंगे ताकि हमारा जो मेन पेज .xaml के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ था नेम का, दैट विल बी डिस्प्ले इन ग्रीटिंग मैसेज। हम इसकी कोडिंग में आएंगे, राइट क्लिक में करके व्यू कोड, देन मुझे वो वहाँ पर ले जाएगा। अब हमारे जो मैसेज ग्रीटिंग वाला कैसा ग्रीटिंग मैसेज हम उस तक पहुँच रहे हैं, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू और जो आपने मैसेज वहाँ डिस्प्ले करवाना है उसी के मैं यहाँ पे हेलो डियर और मैं इसका नाम चाह रहा हूँ प्लस नेम हमने रखा हुआ था नेम डॉट टेक्स्ट वो करके आप कंकैटिनेशन कर लें वेलकम टू आवर डार एजुकेशन प्रोग्राम। हम इसको रन करते हैं,
now we will see that how it will be implemented according to our expected error. And the semicolon is set. ओके जी, अब हम इसमें अपना नाम डालते हैं और अब हम इसकी से हेलो के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन यू कैन सी हेलो डियर सैफ लदार, वेलकम टू अवर डार एजुकेशन प्रोग्राम, जो हमने मैसेज दिया था दैट विल बी डिस्प्ले। अब इसी तरह से आप इसको मोहम्मद फिलहाल तो जो भी आप नाम देंगे यू कैन सी के इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। अब हमारा नेक्स्ट काम परफॉर्म ये है कि हम इसकी स्टाइलिंग कर सकें ताकि हमारा इसको बेहतर से बेहतर लुक क्रिएट हो सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि रिक्वेस्टेड जो आपकी जो थीम्स होती हैं विंडोज स्टोर एप्लीकेशन के अंदर दो तरह की होती हैं, एक लाइट एंड एक डार्क होती है। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो आप एप्लीकेशन डॉट जैमल पे आ जाएं एंड यहाँ पे जैसे आपका प्रोग्राम है आप इसको रिक्वेस्टेड थीम है तो यहाँ पर आप इसको लाइट कर दीजिए। अगर आपने वीडियोज़ और इमेज़ वगैरह डिस्प्ले करवाने हों तो आप डार्क थीम रखें, और आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो तो आप इसकी लाइट थीम रखें। अब इसको आपने लाइट थीम करने के बाद आप इसको रनिंग में आ सकते हैं। नाउ यू विल सी दैट दैट सेम एप्लीकेशन होती है बट इट इज अ लाइट थीम। हेलो, यू कैन सी दैट कि अगर टेक्स्ट वगैरह आपने देना तो आप इसकी लाइट थीम कर सकें। जो आप टू टाइप सकते हो, लेकिन हम इसकी स्टाइलिंग के अंदर हम उनकी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के ऊपर और काम कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर अपनी जैमल फाइल के अंदर अगर आप आ जाएँ एप्लीकेशन डॉट जैमल जो आपकी है उसके अंदर आप मेन पेज जो आपने बनाया था आप उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये व्हाट इज़ योर नेम, मैं इसकी स्टाइल करना चाहता हूँ तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो इसके अंदर आप अगर सर्च करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी को तो जैसे कि मैं स्टाइल को सर्च करना चाहता हूँ तो देन आई विल सी अ स्टाइल मिसिंग है, आप इस पर राइट क्लिक करें। अभी ये शो में ब्लैंक होगी, आप इसके सिस्टम रिसोर्सेज में आएंगे तो यहाँ पे बेस टेक्स्ट ब्लॉक स्टाइल बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट किस्म के आपको आप टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको सब टाइटल टेक्स्ट ब्लॉक स्टाइल दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से मैं ग्रीटिंग के ऊपर करना चाह रहा हूँ तो प्रॉपर्टीज़ इसी तरह से इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं और सिस्टम रिसोर्सेज और इसका कैप्शन टेक्स्ट बॉक्स ब्लॉक स्टाइल कर लें, इसको फल करके रन करें ताकि आप इसकी लुक देख सकें कि किस तरीके से जो मौजूद हैं उनके आते में कितने उनकी कलरिंग की स्टाइल। तो इसका स्टाइल देख लीजिए और इसका स्टाइल देख लीजिए तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी स्टाइलिंग जो है वो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। तो ये आपने स्टैटिक रिसोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसी तरीके से बेसिक टेक्स्ट स्टाइल में आप इसको चेंज कर सकते हैं या जो भी आप रिसोर्स लेना चाहें तो स्टाइल में और कन्वर्ट टू लोकल रिसोर्स सिस्टम रिसोर्स आप इसको बेस टेक्स्ट ब्लॉक स्टाइल इसी तरीके से इसी को भी आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर लें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज आपकी चेंज होगी, एक जैसा स्टाइल आपके सामने। अब हम इसके अंदर बेसिकली जो है अपनी कस्टम बनाने के लिए जैसे कि ये हमारी कस्ट रिसोर्सेज हैं इस पर क्लिक करें और कन्वर्ट टू न्यू रिसोर्स जैसे आएगा तो आपका नाम जो आपने नाम देना वो आप दे दीजिए एंड देन आप इसको एप्लीकेशन पे रखें, ओके कर दीजिए
जब आपके सामने आ चुका होगा तो अब आप इसको एडिट रिसोर्स कीजिएगा। एडिट रिसोर्स आपको डायरेक्टली उस पोजिशन पर ले जाएगा जिसका भी आपने रिसोर्स में है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ साइज और कलर सिलेक्शन हाइट्स वगैरह दिए हैं, आप इसको ख़त्म कर दीजिए और अपनी वैल्यूज दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड दे रहा हूँ कलर, साइज है इसका 36 फॉन्ट फैमिली वही रखे हैं, लेकिन मैं इसका कलर जो है वो सिलेक्शन हाइट कलर या बैकग्राउंड कलर कर देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट कलर फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली। अब इसके साथ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, हम इसको भी चेंज कर दें अपने कलर मैरून। अब इसको हम रन कर दें ताकि हमारा कस्टम सिलेक्शन बन चुके इसका साइज स्पेशल बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कलर थीम नहीं चेंज हुआ। सो वी जस्ट चेंज इट अकॉर्डिंगली। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी में तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, फोरग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू मैरून। यू कैन सी दैट कि इसकी वैल्यू चेंज हो। सो थैंक यू वेरी मच, ऑलमोस्ट वी हैव डन एंड कंप्लीट अवर फर्स्ट सेट।